हर महादेव फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिवांगी माय ब्लेसिंग। और जो आज का वीडियो है वो है मीशो हॉल के ऊपर। तो मैंने मीशो से DIY का सामान मंगाया है। अगर आपके अंदर भी क्रिएटिविटी का कीड़ा है तो आज का वीडियो आपके लिए। नॉट ओनली फॉर DIY, ये जो चीज़ें घर पे होनी चाहिए क्योंकि कभी भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स लगे तो इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना तो बनता है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इसी तरह से घर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल पे। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है चॉक मेड पेंट, आप देख सकते हो। तो इसके अंदर है 6 पीसेस और ये मेट फिनिश के हैं। और इसके अंदर ये वाला जो मैंने लिया है ये है पेस्टल कलर्स। तो इसके अंदर आपको देख सकते हो एकदम लाइट येलो कलर है। 20 ml ईच बॉटल है तो आप देख सकते हो इसका जो है एक क्वांटिटी इतनी है 20 ml। हल्का सा है ना, पानी मिला के आप यूज़ कर सकते हैं तो ये आपका काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। बहुत क्यूट से कलर है पेस्टल कलर। तो ये मुझे एक्चुअली पेस्टल कलर पसंद है इसलिए मैंने पेस्टल कलर लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें डार्क कलर और बहुत सारे कलर की रेंज में कॉम्बिनेशन है तो आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। सबसे अच्छी बात जो इस पर है वो ये है कि इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि वाटर बेस्ड चॉक पेंट फॉर वुड। आप इसे लकड़ी में भी कर सकते हो, यू नो लाइक आपका अगर कोई फर्नीचर पुराना हो गया तो आप उसमें भी ये कलर कर सकते हो तो ये विंटेज लुक देगा। फॉर ग्लास, अगर आपको ग्लास पेंटिंग करनी है तो आप उस पर भी कर सकते हो। फॉर कैनवस, पेपर, टेराकोटा, फैब्रिक, फर्नीचर्स, वॉल्स, नेल आर्ट, मेटल, DIY आर्ट एक्सेट्रा। तो इसमें लिखा हुआ है कि आप इस पेंट को इतनी सारी चीज़ों में कर सकते हो, वॉल्स में भी कर सकते हो, नेल आर्ट में भी कर सकते हो। तो जो बहुत ही क्रिएटिव लोग होते हैं जिनको कुछ ना कुछ घर में यू नो लाइक स्क्रैप से या कुछ भी दिखता है उसमें अपनी यू नो लाइक कुछ क्रिएटिव करना है, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और ये 6 पीस आते हैं इसके अंदर, ये पेस्टल कलर है, आप चाहे तो डार्क कलर भी ले सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छे कलर हैं। इसका जो प्राइस है वो है ये, तो ये आपके घर में होने ही चाहिए, कभी कुछ पुराना हो जाए तो आप यू नो लाइक उसे न्यू लुक दे सकते हो। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है फ्रॉम मीशो की तरफ। और वो है ग्लू गन। आजकल ग्लू गन तो बहुत ज़रूरी हो गई है, क्या दूसरा कुछ ग्लू लगाते हो तो बहुत मैसी हो जाता है, इससे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इस तरह से गन आती है, आपको प्री हीट करना पड़ता है, आपको इसको 5 से 8 मिनट तक इसको ऐसे लगा के ऐसे डाउनवर्ड ऐसे ऐसे रख के आपको इसको प्री हीट करना होता है 5 से 8 मिनट तक। उसके बाद ये हीट हो जाती है तो फिर आप इसको ईजिली आप ग्लू लगा सकते हो। तो इससे काफ़ी जो है काम आसान हो जाता है, आपके हाथ मैसी नहीं होते हैं और बहुत ही क्लीन वर्क होता है। तो जो भी यू नो लाइक क्रिएटिव लोग हैं उनके लिए तो एक ग्लू गन मस्ट है घर में। और ये घर के लिए भी बहुत यूज़फुल है, कभी कुछ भी यू नो लाइक आपको भी स्टिक करना हो तो आप ये कर सकते हो। अभी मैंने रिसेंटली अपनी सीजर जो मेरी टूट गई थी ऊपर से उसको इससे चिपकाया है तो उसको इससे चलाया तो काफ़ी ये मजबूत हो गई है और ये जुड़ चुकी है। तो इसका ग्लू भी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब ऐसा ग्लू नहीं है कि ईजिली निकल जाए, बहुत अच्छा ग्लू है इसका। तो मतलब घर के लिए भी अच्छी है, नॉट ओनली फॉर DIY, ये घर में होनी ही चाहिए, मस्ट है, ताकि आप घर में यू नो लाइक कुछ भी ईजिली रिपेयर कर सको, कुछ भी हैंग कर सको, कुछ भी ग्लू कर सको। तो ये उसके लिए उसके ये ग्लू गन है, इसका प्राइस है ये। वाइट कलर के भी आपको ग्लू स्टिक मिलती है बट जो ये पर्टिकुलर है इसमें आपको ये मिले हुए हैं अलग अलग कलर के ग्लिटर वाले ग्लू स्टिक। तो इससे क्या होता है कि अगर आप DIY कर रहे हैं तो कभी कभी जो ऊपर पे ग्लू होता है वो दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है, बट ये ग्लिटरी ग्लिटरी स्पार्कल है तो इससे जो है लुक भी अच्छा आएगा और चीज़ें ख़राब भी नहीं लगेगी। इसके साथ 25 ग्लू स्टिक मिली हुई हैं, ये देखिए 2 मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा और हर घर में होना चाहिए। तो दिस इज़ माई सेकेंड परचेज फ्रॉम मीशो। थर्ड प्रोडक्ट की तरफ, और वो है ये इस तरह से आया है, ये है लाइट। आपको पता है यू नो लाइक जिनको DIY का शौक है या घर में आपको यू नो ये बहुत अच्छे लगते हैं डेकोरेट करने में, आप कहीं पे भी इसको हैंग कीजिए। और इसमें यू नो स्विच बोर्ड का झंझट नहीं रहता है, आपको रहती है इसको आपको खोल सकते हो। और ये मैं अपने यू नो लाइक बाइक बालकनी में डेकोरेट करने वाली हूँ तो वो मैं आपको दिखाऊँगी इसमें। तो इसके साथ ये कॉक मिलती है, आपको यू नो इसको जस्ट
ऑन करना है, ऑफ़ करना है, ऑन एंड ऑफ। बस आपको यू नो लाइक ऐसा टेंशन नहीं है कि आपको यू नो प्लग में पॉइंट जा रहा है नहीं जा रहा है या प्लग दूर है, कोई इसका टेंशन नहीं है। आप इजिली इसको कहीं पे भी हैंग कर सकते हो, कर्टेन के सामने या वॉल्स में, कहीं पे भी, प्लांट में बहुत अच्छा लगता है ये, तो आप कहीं पे उसको डेकोरेट कर सकते हो। तो इससे आपके यू नो लाइक घर में एक्स्ट्रा इफेक्ट आता है और बहुत ही सुंदर लगता है घर। बाहर भी आप बालकनी में से डेकोरेट कर सकते हो, तो मैं इसे डेकोरेट करने वाली हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो इसका प्राइस है वो है ये ट्री होती है, तो इसके अंदर से ये सेल हैं तीन छोटे छोटे, जो आपको यू नो लाइक शॉप में मिल जाते हैं, अगर ख़त्म हो गए तो आप इजीली इनको शॉप से ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से है, और जो इसकी लेंथ है वो 1 मीटर है, 1 मीटर तक देखिए। तो आप इसको किसी भी ढंग से अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप घर डेकोरेट कर सकते हो, और ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। अभी घर में लाइटनिंग का शौक है तो उनके लिए तो मस्ट बाय है, ये लीजिए और अपने घर को डेकोरेट कीजिए। ये मैंने अपनी बालकनी में डेकोरेट किया, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसा। तो ये बहुत इजी हो जाता है, आपको बस ऑन एंड ऑफ़ करना है, और इसकी बैटरी चेंज करनी है, प्लग का कोई झंझट नहीं है, करंट का कोई झंझट नहीं है। तो ये बहुत ही सेफ है और अच्छा प्रोडक्ट है फॉर योर होम डेकोरेशन, एंड दैट इज़ रोप। और प्राइस है ये, एंड आई एम रियली सॉरी, ये एक्चुअली बहुत अच्छे से बाइंड होके आया था, एक यू नो बंडल था इसका, बट मेरी बेटी ने आते ही पूरा खोल के पूरा कर दिया, तो इसको समेटने में बहुत टाइम लगता, तो मैं कर नहीं पाई, एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये जो प्रोडक्ट है ये रोप इस तरह से है, और ये इसे भी आप यू नो लाइक आपको अगर पॉट डेकोरेट करना है तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, या घर में कुछ भी डेकोरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो इसको हैंगिंग के लिए। एंड बहुत अच्छा इससे लुक आता है, स्पेशली प्लांटर्स में, पॉट्स में। और भी DIY का आपको यू नो लाइक क्रिएटिव हैं, क्रिएटिविटी आपके अंदर है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसको भी मैं आगे यू नो यूज़ करने वाली हूँ। ये भी बहुत अच्छी रोप है, आप इसको ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे 4 अमेजिंग प्रोडक्ट फॉर योर होम डेकोरेशन DIY, और अगर आपके अंदर भी क्रिएटिविटी का कीड़ा है तो ये आपके बहुत यूज़फुल हैं। एंड आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह से घर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल पे, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।